मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं। सुनाने जा रहा हूं आज आपको प्रवीण ठाकुर की लिखी एक कहानी, बाय दादा। आइए शुरू करते हैं। यूं तो हर व्यक्ति सुविधा अनुसार रेलगाड़ी का टाइम टेबल और आने जाने का समय निश्चित करके ही घर से निकलता है, परंतु भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो आवश्यकता के अनुसार कभी भी स्टेशन पर पहुंचकर स्टेशन पर ही ये पता करता है कि कौन सी गाड़ी कहां जाएगी, और जो गाड़ी उस स्थान को जा रही है या जहां उसे जाना है, लपक कर उसकी जनरल बोगी में बैठ जाता है। इस वर्ग के लिए ट्रेन का टिकट लेना उतना ही जरूरी है जितना उत्तर प्रदेश में 12वीं करने के बाद स्नातक करना यानी ग्रेजुएशन करना। होता कुछ भी नहीं, पर फिर भी कर लेते हैं ताकि विवाह कार्य संपन्न हो जाए। वैसे तो जनरल बोगी को लोग दूर से देखकर ही पसीने छोड़ने लगते हैं, पर कुछ लोगों के लिए ये वरदान का काम करती है। अब चूंकि टिकट कलेक्टर में इतनी जान नहीं होती कि वो इस डिब्बे की भीड़ को चीर कर अंदर घुस जाए, इसीलिए टिकट ना खरीद पाने वाले लोगों को इससे बहुत राहत मिलती है। दफ्तर से रक्षाबंधन की छुट्टियों में मैं अपने गांव गया था। चूंकि ये निश्चय जल्दबाजी में हुआ था, इसीलिए मैंने बस से जाना उचित समझा। बस से लंबा सफर करने का मेरा कोई अनुभव नहीं था, और इस सफर में मुझे पूरे सफर उल्टियां करते करते ये पता चल गया था कि ये मेरे लिए हानिकारक है, इसीलिए मैंने वापस आते वक्त रेल से आने का मन बना लिया था। मेरा गांव आगरा शहर में है। आगरा में आपको पूरा हिंदुस्तान दिखेगा। तहजीब, तमीज और बदतमीज लोगों के लिए भी यहां उचित स्थान नियुक्त किए गए हैं, और ये किसी से छिपा नहीं है। यहां आपको बड़े बड़े धनवान भी दिखेंगे और दुआओं का भंडार आपकी झोली में डाल देने वाले फकीर भी। रक्षाबंधन अच्छा बीता, और जब छुट्टियां खत्म हुई तो वापस आते वक्त रेल का विकल्प ही चुना। पर रिजर्वेशन न होने की वजह से मैं जनरल डिब्बे का टिकट लेकर लड़ता झगड़ता चढ़ गया किसी तरह। क्या संघर्ष था उस डिब्बे में चढ़ने में। मैं आगरा से वापस कहां आ रहा था ये तो बताना ही भूल गया। हाँ, तो मैं आ रहा था दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन तक। मैं दिल्ली में ही एक संस्थान में सेवा देता हूँ, साफ कहूं तो नौकर हूं। रेल के उस सफर में फरीदाबाद स्टेशन तक आते आते भीड़ लगभग खत्म सी हो गई थी, और बैठने के लिए सीट भी मिल गई थी। यहां तक आने में मेरे पांव एक ही पोज में खड़े खड़े सो गए थे। पता नहीं ये शरीर के अंग इतने बेफिक्र कैसे होते हैं। अगर व्यक्ति का मस्तिष्क भी इसी तरह होता तो शायद आदमी यूं परेशान ना होता। खैर, मेरे आगे वाली सीट पर एक महिला बैठी थी अपने दो छोटे छोटे मुन्ना और मुन्नी को लिए। उस महिला को देख देख कर मेरा दिल महसूस उठता था। जिस देश में महिलाएं एक गांव से दूसरे गांव जाते समय सज धज के जाती हैं, लिपस्टिक, बिंदी, साफ सुथरी साड़ी और न जाने क्या क्या साज सज्जा का सामान, पर यह महिला जो रेल का सफर कर रही थी एक राज्य से दूसरे राज्य का, इसके पास न तो कोई साज सज्जा का सामान था और हालत भी बड़ी दयनीय थी। एक धोती के चिथड़ों में लिपटी यह महिला शरीर से रोगिनी और हालत से भिखारिन से भी कई गुजरी लग रही थी। जब गाड़ी फरीदाबाद स्टेशन पर रुकी तो फेरी वाले आवाज लगाने लगे, चाय चाय कॉफी समोसा ले लो, और कुछ ताली बजाने वाले भी परेशान करने लगे। जैसे ही कोई फेरी वाला आता, इस महिला के मुन्ना और मुन्नी बिगड़ने लग जाते, और वो चुपचाप रुआंसा सा मुंह लिए बैठी रहती, मानो कह रही हो, मेरे पास अपने शरीर के टुकड़ों के अलावा अगर कुछ होता तो मेरे लाडलों में तुम्हें सब दिला देती। पर छोटे बच्चे खामोशी नहीं समझते, उन्हें मां और बाबा के सामर्थ्य पर कभी संदेह नहीं होता। उनके लिए तो मां बाबा धन कुबेर होते हैं। इन मां और बच्चों की बातें सुनकर मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि या तो ये बंगाली हैं या फिर बंगाली जैसी भाषा बोलने वाले उड़िया या आसामी हैं। जब शोर मचाते मुन्ना मुन्नी कुछ पाने के लिए रोने लगे, तब उस दुखियारी से रुका न गया। एक थप्पड़ जमाया मुन्नी को और एक मुन्ने को, और उसके बाद खुद ही रोने लगी। ये देख मेरा कलेजा ठंडा पड़ गया, और इस दृश्य को देख मेरी आंखें भर आईं। अब की बार जब फेरी वाला आया तो उसके पास चटपटे चने और फ्रूटी थी। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर चार चने की प्लेट और चार फ्रूटी ले ली, और एक एक मां और बच्चों को दे दी। उनके मुंह से एक बार भी ना निकली,
सच तो ये है कि जब भगवान आपको हर तरफ से निराश कर दे तो आपका आत्मसम्मान हल्का पड़ जाता है। बच्चे और माँ चनों को ऐसे खा रहे थे मानो कई रोज के भूखे थे। खाते खाते बच्चों के मासूम चेहरे खुश होने के बजाय चिंतित थे, मानो कोई उनसे इस थोड़े से खाने को भी छीन न ले। ये देख मैंने अपने थैले से पूरी सब्जी और खोए के लड्डू, जो हर घर से इस तरह रखी जाती हैं जैसे बेटा नौकरी पर नहीं जंग पर जा रहा हो, पता नहीं खाने को मिलेगा या नहीं, उसमें से कुछ निकाल कर उनके सामने रख दिए और उनके उदास चेहरों पर एक अनजानी सी राहत देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिला वो आज भी इस दिल के बड़े से कोने में सबसे अच्छा पल बना बैठा है। मेरा स्टेशन आ पहुंचा पर इन लोगों को कहीं और जाना था। जब मैं रेल से उतरने लगा तो मुन्ना और मुन्नी एक आवाज में बोले, बाय दादा। और उनकी माँ हाथ उठाकर ऐसे आशीर्वाद दे रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अंतिम बार देख रही हो। यदि मैं भगवान होता तो इस पल को वहीं रोक देता और उस आत्म शांति के अनुभव को हमेशा हमेशा के लिए जीता। हमारे गांव में एक रिवाज है, कभी भी विदा लेते वक्त बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। इसीलिए मैंने 20-20 के दो नोट गुड्डे और गुड़िया को दे दिए। वो पल आज भी मेरे जहन में जिंदा है, मानो मेरा कोई अपना मुझसे बिछड़ गया उस दिन। जब भी वो पल याद आते हैं बस आंसू निकल आते हैं और एक दुआ निकलती है, हे भगवान उस परिवार के दिन अच्छे कर देना। दोस्तों आप सुन रहे थे प्रवीण ठाकुर की लिखी कहानी नहीं सत्य घटना, जिसे उन्होंने एक कहानी का रूप दिया, बाय दादा। और ये जो घटना है ये ऐसा ही व्यक्तित्व है प्रवीण भाई का। प्रवीण भाई दिल से बिल्कुल खालिस भारतीय हिंदुस्तानी और पूरी तरह से उदार दिल के ही हैं। इनका एक YouTube चैनल है जिस पर इन्होंने कुछ रिसर्च वीडियोस बनाए हैं और उनकी वो रिसर्च या उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो देखते ही बनते हैं और सोते हुओं को जगाने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर वो पेन ऑफ प्रवीण इस नाम से उनका अकाउंट है, आप फॉलो करें क्योंकि वो अच्छी पोएट्री भी पढ़ते हैं और कभी कभार सोते हुओं को जगाने वाले कई पोस्ट भी उनके अकाउंट पर मिल जाते हैं। बहरहाल कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लाइक बटन दबाकर आपकी पसंदगी जाहिर करें और शेयर करें अपने अपनों के साथ ताकि इस तरह की संवेदनाओं और इमोशंस का फ्लो प्रवाह बना रहे। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी लेकर मैं फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए कहानियों का सफर विद अमित वाधवा। नमस्कार। सफर है ये सफर है कहानियों का, ये सफर है।